من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नौकरों के नौकर खाना अल-जामिया सीरत नबी शरिया व असरिया अकेडमी द इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लाम एंड साइंस जिजिया शम्स ने आने वाली तमाम काबिल एहतराम आले ईमान बहनों को रबीउल सानी की इस रूहानी महफ़िल पाक में खुश आमदी और प्यार मोहब्बत और अमन का पैगाम सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज चूंकि हमारा उन्वान है वली किसे कहते हैं, आइए अज़रुल कुरान और हदीस अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। ईमान वालियों, सूरह यूनुस में अल्लाह सुबहाना व ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में औलिया की फजीलत यूँ बयान फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان الله اجمع سن لو اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور اسی نافرمانی سے بچتے رہے انہی کے لیے خوشخبری ہے दुनियावी ज़िंदगी में और आखरत में। अल्लाह की बातें बदलाव नहीं करती, यही बड़ी कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, औलिया उनका वो है जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखे। किसके लिए? जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करे, मोहब्बत रखे, अगरचे उनमें कोई निस्बत का रिश्ता ना हो और ना ही कोई माली लेन देन हो। खुदा की कसम उनके चेहरे नूरानी होंगे और वह नूर के मिम्बरों पर रौनक अफरोज होंगे। जब लोग थक थक कांपते होंगे उन्हें कोई खौफ ना होगा। जब लोग गम सदा होंगे वो गम से महफूज व मामून होंगे। फिर अल्लाह के नबी ने वो आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ईमान वालियों, जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें दुनिया और आखरत में कोई गम, कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं होती। हज़रत सईद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, औलियाउल्लाह ये अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, वलीउल्लाह जो होते हैं, कौन हैं? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलियाउल्लाह वो हैं जिनके चेहरे देखने से, जिनकी सोहबत में बैठने से, जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए। कौन याद आ जाए? अल्लाह याद आ जाए। ईमान वालियों, तफ़सीर सिरातुल जनान में है कि वलीउल्लाह वो है, कौन वलीउल्लाह वो है
जो फराइज की अदायगी में अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे। किसकी अदायगी में? फराइज की अदायगी में अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करें, अल्लाह पाक की इतायत यानी फरमा बरदारी में मशगूल रहे और उनका दिल अल्लाह पाक के नूरे जलाल की मार्फत में डूबा हुआ हो। जब देखे कुदरत इलाही के दलाइल को देखे, जब वो सुने अल्लाह पाक की आयतें ही सुने, जब बोले तो अपने रब्बे करीम की सना यानी तारीफ के साथ बोले, जब वो हरकत करे तो अतायत इलाही में हरकत करे, जब वो कोशिश करे तो उसी काम में कोशिश करे जो कुर्बे इलाही का जरिया हो। अल्लाह पाक के जिक्र से ना थके, ना चश्मे दिल यानी जो आंख की दिल की आंख है, ना चश्मे दिल से खुदा पाक के अलावा किसी और को ना देखे। ये सिर्फ औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन की है ईमान वालियों। ये किन की सिफात है? ये औलिया इकराम की सिफात है। और जब बंदा इस हाल पर पहुंचता है तो याद रखे अल्लाह पाक उसका मददगार हो जाता है, फिर उसका हामी और नासिर, उसकी मदद करने वाला खुद रब्बे रहीम हो जाता है। ईमान वालियों, करामत की तारीफ की थोड़ी मैं आपकी नजर करना चाहती हूँ। सदरुशरिया हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में करामत की तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं कि वली से जो खिलाफ आदत बाद सागर वाकया हो उसे हम क्या कहते हैं? करामत। उसे हम क्या कहते हैं? करामत। मजीद भी आपको बता देती हूँ, इसी किस्म की चीज़ें ईमान वालियों अगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से इलाने नबूवत से पहले जाहिर हो तो इन्हें इरहास कहते हैं, और अगर इलाने नबूवत के बाद हो तो इन्हें क्या कहते हैं? मौजज़ा ये कहलाती है। अगर आम मोमिनीन में से इस किस्म की चीज़ों का ज़हूर हो तो उसे मौनत कहते हैं, और अगर किसी गैर मुस्लिम से कभी इस चीज़ की ख्वाहिश के मुताबिक इस किस्म की चीज़ ज़ाहिर हो जाए तो उसको इस्तिदराज कहता जाता है। ईमान वालों, खिलाफ आदत, क्या मैंने लफ्ज बोला? खिलाफ आदत बाद से मुराद वो काम है जो आम तौर पर हर किसी इंसान से ज़ाहिर नहीं होता, आम इंसान से जाहिर नहीं होता। मसलन हवा में उड़ना, पानी पे चलना वगैरह, ये वो अफ़ाल है जो एक आम आदमी इसको कर नहीं सकता। हवा में भी नहीं उड़ सकता, वो पानी पे नहीं चल सकता। तो इसलिए ईमान वालियों, औलिया इकराम अल्लाह सुबहाना ताला ये उनको ताकत नसीब फरमाता है कि वो हवा में उड़ने की भी ताकत रखते हैं, और बगैर परों के बासानी हवा में वो परवास करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अल्लाह पाक के पास नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जो समंदरों और दरियाओं को भी अपना फरमा बरदार बना लेते हैं, अपना फरमा बरदार बना लेते हैं, और पानी पर बिना खौफ इस तरह चलते हैं जैसे खुशकी पर वो चलते हैं। ईमान वाली और रवायतों में आता है कि जंगे फारस में हजरत सआद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लामी लश्कर के सिपा सलार थे। दुराने सफर रस्ते में दरियाए दिजला को पार करने की जरूरत पेश आई और कश्तियां मौजूद नहीं थी। आपने लश्कर को दरिया में चलने का हुक्म दिया और खुद सबसे आगे आगे ये दुआ पढ़ते हुए गए कि नस्तईन बिल्लाही व नतवक्कलु अलैहि व हसबुनल्लाहु व निअमल वकील व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम। हम अल्लाह पाक से मदद तलब करते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। अल्लाह पाक हमें काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा काम बनाने वाला है, और नहीं है गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत मगर अल्लाह पाक की तरफ से, वो सबसे ज्यादा बुलंद अजमत वाला है। तो ईमान वालियों, लोग आपस में जब दराए दिजला पे हजरत की जब दुआ के साथ में, आपकी मदद के साथ में जब वो आगे आ गए थे
तो लोग बिना झिझक एक दूसरे से बातें करते हुए, कोई घोड़ों पे सवार है, कोई पैदल है, कोई ऊंटों पर सवार है, तो आराम से वो उस मैदान में इस तरह गुजर रहे थे, उस पानी पर इस तरह गुजर रहे थे जैसे कि वो किसी मैदान से गुजर रहे हो। तो ये अल्लाह ताला की करामतें हैं, अल्लाह ताला की मदद है जो अल्लाह ताला अपने प्यारों को अता फरमाता है। ईमान वाली अब आसमानों पे चलने के लिए याद रखिए कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को जो ताकत अता फरमाता है, वो चाहे तो किसी को पानी पे चलवा दे, वो चाहे तो किसी से पानी में डूबा हुआ बेड़ा करवा दे, वो चाहे तो समंदरों पे चलवा दे, वो चाहे तो हवा पे चले। और याद रखें ये ऐसे हजरात हैं कि जिनकी दुआएं भी रद्द नहीं होती है, ये जो अल्लाह वाले ऐसे हैं इनकी दुआएं भी रद्द नहीं होती है। ईमान वालों, जैसे कि मकबूल है कि एक बार सेवन शरीफ बाबुल इस्लाम सिंध, हमारा पाकिस्तान का जो इलाका है, इसके करीबी इलाकों में बारिशों का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि खाने की कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई ना देती थी, नहरें खुश हो गई, कुएं सूख गए, पानी का मिलना दुश्वार हो गया। आखिरकार तमाम अहले इलाका ने इकट्ठे होकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सैयद मोहम्मद बिन उस्मान नरवंदी कासमी कादरी रहमतुल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर फरियाद करने लगे। अब ये कौन है? हाँ, शहबाज कलंदर वाले अल्लाह के वली। तो लोग जब उनके पास गए, और आप क्या करते थे? आप सिर्फ एक आपका काम था कि आप नेकी का हुक्म देते थे और की बारगाह में खूब दुरूद और सलाम पेश किए। अब ये तो वली की शान है कि एक वली जो भी करता है वो अल्लाह सुबहाना व ताला की रजा से करता है, और ईमान वालियों अल्लाह ताला की रजा के लिए करता है। किसकी रजा के लिए? और याद रखिए, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? आज हम खुद जिनकी नमाजें मुकम्मल नहीं, पर्दे मुकम्मल नहीं, कुरान पाक का इल्म, हदीस का इल्म हमारे पास नहीं, लेकिन हम बड़े बड़े दीन वालों के खिलाफ अपनी जुबानें दराज कर रहे होते हैं, उनके बारे में राय कायम कर रहे होते हैं, और इधर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे क्या करता हूँ? जंग का ऐलान करता हूँ। ईमान वालियों, और ये याद रखे, फिर ये वली है कौन? हमारे आइमा में से इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप क्या फरमाते हैं कि अगर उलमाए कराम अल्लाह के वली नहीं है तो फिर कोई भी अल्लाह का वली नहीं है। क्योंकि वली किससे है? शऊर से है, इल्म से है, अमल से है। और एक आम बंदे को तो ये अल्लाह ताला चीज़ें अता नहीं फरमा सकता। तो ईमान वालियों, ये वलियों की बरकतें हैं, ये अल्लाह का उन पर करम है। बल्कि यहाँ पर मैं एक रवायत आपको सुनाती हूँ, मिश्कात शरीफ की एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। कितने कत्ल? उसने 99 कत्ल किए। बिल आखिर वो अपने इन अमाल पे शर्मसार हुआ और तौबा का तलबगार हुआ। तौबा की तलबगारी के लिए वो चलता चलता एक राहब के पास गया और जाकर कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा मंजूर होगी? उसने कहा, तू तो बड़ा जालिम इंसान है, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। उसने कहा, ठीक है, जहाँ 99 कत्ल किए हैं, अगर मेरी तौबा ही कबूल नहीं होनी तो फिर मैं तुझे भी कत्ल करता हूँ। तो यूँ उसने 100 कत्ल कर दिए। फिर उसको बताया गया कि वो फलां आलिम के पास जाओ, फलां इल्म वाले के पास जाओ। तो ईमान वालियों, जब उसके पास हो गया तो उसने कहा, जी मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या वो रब जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम
इबादत करते हो, जिसकी तुम प्रचार करते हो, जिसके हुक्म पर तुम नेकी का हुक्म, नेकी की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो, क्या तुम्हारा वो रब मुझे माफ कर देगा? क्या तुम्हारा वो रब मेरी तौबा को कबूल कर लेगा? तो उसने कहा, नाम हाँ, मेरा रब तवाब भी है और रहीम भी है। मेरा रब माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला भी है। हाँ, बस ये कर के फलां इलाके में एक अल्लाह का वली रहता है। कौन? एक अल्लाह का वली। हाँ, फलां इलाके में एक अल्लाह का वली रहता है, उसके पास चला जा, वो अल्लाह ताला से जो दुआ करेगा और करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। वो शख्स ईमान वाली हो चल पड़ा, चलता चलता रस्ते में उसको मौत ने आ दबोचा, उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तो रहमत के फरिश्ते भी उसके पास आ गए कि क्योंकि अब ये तौबा का तलबगार था तो इसकी रूह को हम जन्नत में लेकर जाएंगे, और ऊपर से दोज़ख के फरिश्ते भी आ गए कि नहीं, अभी इसने तौबा की नहीं थी, पहुंचा नहीं था, तो हम इसको अपने साथ दोज़ख में लेकर जाएंगे। जो मामले में बहस शुरू होगी और बिल आखिर ये मामला अल्लाह सुबहाना वताला की बारगाह में पहुंचाया गया, तो अल्लाह सुबहाना वताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, अगर ये अपने घर से वलीउल्लाह की तरफ ज़्यादा गया है तो जन्नत वाले फरिश्ते इसकी रूह को ले जाएंगे, और अगर घर की तरफ फासला ज़्यादा है तो अजाब वाले फरिश्ते इसको ले जाएंगे। अब ज़मीन नापी गई और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ज़मीन, मेरे वली की तरफ से सुकर जा। अल्लाह ताला जो नेकी का इरादा करता फिर मदद भी फरमाता है, ऐ ज़मीन सुकर जा। तो ईमान वाली और बस वो शख्स जो वलीउल्लाह की तरफ ज़्यादा था, इसलिए उसकी रूह को फिर कौन से फरिश्ते ले गए? जन्नत वाले फरिश्ते उसकी रूह को ले गए। अब ये समझ आया कि किसकी कहाँ पे जा रहा था? एक वलीउल्लाह की तरफ जा रहा था। तो ईमान वालियों, अब ये वली है ना, अब ये देखिए कि असहाबे का कुरान पाक में सूरह कहफ के नाम से एक सूरह भी है। हाँ, असहाबे कहफ का कुत्ता वलियों के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? कुत्ता वलियों के साथ हो गया, तो उसका नाम कुरान पाक में आया और फरमाया कि कयामत के रोज ये कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। एक कुत्ता किसकी सोहबत में था? वलियों की सोहबत में था, नेकों की सोहबत में था। ये फर्क है ना, वो कहते हैं ना, नेकों की जब सोहबत में बैठते हो ना तो खुशबू किरदारों में आती है, जब आप बदों के में बैठते हैं ना तो जो थोड़ी सी खुशबू होती है वो भी चली जाती है। और फिर कनान हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो बुरे लोगों की सोहबत में बैठा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों की सोहबत में बैठा और क्या हो गया? दोज़खी हो गया। क्या हो गया? दोज़खी हो गया। अच्छों की सोहबत में, याद रखो, अच्छों की सोहबत हमें कहाँ पर लेकर जाएगी? जन्नत में लेकर जाती है, और बुरों की सोहबत हमें जलीलो खवार करके जहन्नमी बना देती है। वो कहते हैं ना, वलियां दे नाल रल के कुत्ते जन्नत लिया ठिकाना, वलियां दे नाल रल के कुत्ते जन्नत लिया ठिकाना, तू भी रल जा नेकां दे संग जे तू जन्नत जाना। ईमान वालियो, इतना ही कहूंगी, अल्लाह सुबहाना व ताला ने कुरान मजीद में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किन के साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालियों, अल्लाह ताला फरमाता है कि पहले दिल में मेरा खौफ पैदा करो। ऐ ईमान वालों, पहले क्या करो? दिल में मेरा खौफ। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह है, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, अपने दिल में खौफ पैदा करो। किसका? अल्लाह ताला का। हाँ, फिर जो लोग सच की राहों के मुसाफिर हैं उनके साथ चल पड़ो। कौन सी मंजिल के मुसाफिर हैं? सच की राहों के मुसाफिर हैं, उनके साथ चल पड़ो, फिर मंजिल मकसूद पर तुम पहुंच जाओगे। तो याद रखो, जो अल्लाह ताला से डरेगी
वो गुनाह नहीं करेगी, वो झूठ नहीं बोलती, वो धोखा नहीं करती, वो बेहयाई के काम नहीं करती, बेपर्दा नहीं निकलती, गिबते नहीं करती, चुगलियां नहीं करती, फसाद बर्पा नहीं करती, चोरी नहीं करती, नमाज को नहीं छोड़ती, बल्कि क्या वो रोजे की पाबंदी करती है, अपने खावन का हुक्म जायज हुक्म मानती है, वालदेन का अदब करती है, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करती है, अपने हमसाये वालों के साथ हुस्न सलूक करती है, अलगर्ज ईमान वालों सब बुराइयों को छोड़ देती है और हर नेकी करने की वो कोशिश करती है। और ऐसी औरतें हैं जिन्हें कहा जाता है अत्तकुल्लाह पर अमल करती है। यही वो औरतें हैं जो अल्लाह से भी डरती है और नेक अमल भी करती है, नेक। हाँ, वो कहते हैं ना कि खुदा के खौफ से दिन रात जिसके आंसू बहते हैं, खुदा के खौफ से दिन रात जिनके आंसू बहते हैं, जहन्नुम में ना जाएगी मेरे महबूब कहते हैं। फिर तो ईमान वाली वकूनु मअस्सादिकी, हाँ किसके साथ हो जाओ, नेक औरतों की मजलिस में शरीक हो जाओ, नेक औरतों को इस सोबत में बैठा करो, क्योंकि नेकों के साथ बैठने से इंसान नेक कहलाता है, चाहे अमल में कच्चा हो, चाहे अमल में कच्चा हो, लेकिन वो कहलाएगा क्या, नेक। तो हमें ज़रूरत है अपनी सोबतों की। और ये जितना भी अभी आज मैंने बयान किया ना आपको, वलीउल्लाह किसे कहते हैं, ये जाकर देखिएगा। आज हम में से अक्सर लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा नेक कहते हैं, नेक समझते हैं, लेकिन हकीकत तो वो है जो कुरान और हदीस बयान कर रही है, हकीकत तो वो है जो इस्लामी तालीमात बयान कर रही है। कोई अपने आप को कितना भी कहे, हाँ जब तक वो इंसान, वो औरत, वो मर्द अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए नक्शे कदम पर नहीं चलेगा, अल्लाह के अहकामात रसूलुल्लाह की तालीमात का दामन नहीं थामेगा, इस्लामी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी नहीं संवारेगा, तो ईमान वालों कभी भी वो ईमान वाला नहीं बन सकता है। अल्लाह सुबहाना व ताला हमें अपने नेक बंदों की सोहबत नसीब अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला जिन पे उसने अपने ख़ास इनाम किए हैं, बस उन लोगों में अल्लाह ताला हमें शामिल करे। हमें दुनिया